नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे खांसी के विषय में और उसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। खांसी एक समस्या है, जिस समय आती है आप लोग परेशान हो जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता क्या करो, तमाम सिरप आप कोशिश करते हो पीने के। हम आपको बताएंगे खांसी के ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। साथियों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता दें, यह एक एजुकेशनल पर्पस का प्रोग्राम है। होम्योपैथी के प्रमोशन और आपको एजुकेट करने के लिए होम्योपैथी के विषय में यह प्रोग्राम है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, कुशल चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दवा लें। साथियों, अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं खांसी होती क्या है। खांसी हम सबको आती है कभी ना कभी। खांसी साथियों कोई बीमारी नहीं है, खांसी सिम्टम है। खांसी तमाम बीमारियों के कारण खांसी हो सकती है, वह एक सिम्टम का रूप लेती है और सिम्टम में काम करती है। नोट रखने वाली बात यह है कि अगर आपको 3 हफ्ते से या उससे ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप टीबी के डॉक्टर को, चेस्ट के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, आपको टीबी भी हो सकती है, टीबी की जांचें कराएं। तो साथियों, खांसी कई कारण से हो सकती है, चाहे वो निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, आपका जो है वो ट्यूबरक्लोसिस हो, कोई इस तरह के कोई भी चीज़ जो आपके एयरवे के पैसेज को ब्लॉक कर रही है उसको साफ करने के लिए कुदरत जो है वो आपका एयर प्रेशर एयरवेज में लंग्स के माध्यम से क्रिएट करती है और आपको खांसी आ जाती है। हम लोग साथियों बढ़ते हैं इसको ठीक करने के लिए। साथियों, सबसे पहली स्थिति आती है जब आपको रात में सूखी खांसी आती है। सूखी खांसी आती है तो आप रात में परेशान हो जाते हैं, आपको तकलीफ होती है। इसके लिए होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है ब्रैनिया। अगर आपको सूखी खांसी आती है तो आप ब्रैनिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, तो आपका जो ड्राई कफ आ रहा है, सूखी खांसी आ रही है, यह कम हो जाएगी। ब्रैनिया की दवा की खास बात यह है कि बहुत ड्राइनेस रहती है और रस्ट लाइक म्यूकस आता है, रस्ट कलर का म्यूकस इसमें आता है और चलने से तकलीफ बढ़ती है। जितना आप चलेंगे खांसी उतनी बढ़ेगी। अगर आप में यह सिम्टम आ रहा है तो आप जान लें आप ब्रैनिया आपकी दवा है और आप ब्रैनिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी दवा साथियों ड्राई कफ की है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया 30 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें जब आपके चेस्ट में एक्सट्रीम ड्राइनेस हो, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो और आपको रात में लेट के उठ के बैठना पड़ जाता हो। अगर यह स्थिति आपके बने जिसमें एक्सट्रीम ड्राइनेस की कंडीशन हो और जिसमें गर्म पानी पीने से आपको आराम मिलता हो और ठंडा पानी पीने से तकलीफ बढ़ती हो, अगर यह सिम्टम्स आती हो तो स्पॉन्जिया आपकी दवा है। आप स्पॉन्जिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको लाभ होगा। फिर साथियों आगे बढ़ साथियों एक दूसरी कंडीशन आती है जब आपके रैटलिंग टाइप ऑफ कफ होता है, गड़गड़ाहट वाला कफ होता है। अगर आपकी गड़गड़ाहट वाली खांसी आ रही है तो इसकी 2 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है एंटीमटाट। एंटीमटाट 200 पावर में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो जितना म्यूकस आपके आ रहा है, बिल्कुल जाम हो गया है सीना और आपके खांसी आ रही है, उस स्थिति को एंटीमटाट 200 पावर की दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से वह ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा साथियों इसी स्थिति में आती है इपिका। इपिका खांसी की बहुत अच्छी दवा है। जब आपके जकड़न वाली, म्यूकस वाली, रैटलिंग टाइप, खड़खड़ाहट वाली कफ की खांसी हो, इपिका 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपको वॉमिटिंग तक आ रही हो, इतनी खांसी आ रही हो कि आपको वॉमिट हो रहा हो, तो आप इपिका 200 पावर में ले लें, इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार, आपका रैटलिंग टाइप ऑफ कफ ख़त्म हो जाएगा। साथियों एक तीसरी स्थिति हम लोगों के बीच आती है खांसी की स्थिति में, जब आपको स्पास्मोटिक कफ होता है। स्पास्मोटिक कफ वो कफ होता है जब आपको रुक रुक के खांसी आए, वह खांसी लगातार ना हो लेकिन रुक रुक के आपके खांसी आती रहे। यदि यह स्थिति साथियों आप में हो रही है तो आप के स्पास्मोटिक कफ है। स्पास्मोटिक कफ की 3 बहुत कारगर दवाएँ साथियों। पहली दवा है क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट 30 2-2 बूंद दवा आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको बलगम जो है वह आपके बलगम के साथ खांसी आ रही हो, बहुत बलगम आपके निकल रहा हो, रात में बहुत ज़बरदस्त खांसी आ रही हो और बलगम निकल रहा हो, तो क्यूप्रम 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और यदि इसकी एक दूसरी दवा है साथियों इसी के साथ की कोरेलियम रूब्रम। कोरेलियम रूब्रम 30 आपको उस स्थिति में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है जब आपके बलगम
थ्रोट के अंदर जा रहा है, आपको लग रहा है बलगम हमारे अंदर जाया जा रहा है। जब यह स्थिति साथी हो आपके आ जाए तो इसकी दवा कोरेलियम रूब्रम 30 है, इसको आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। और साथियों इसकी तीसरी दवा जो ये स्पास्मोडिक कफ है, रुक रुक के जो खांसी आता है, इसकी दवा ड्रोसेरा 30 आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आपको बहुत ड्राई कफ है और रुक रुक के लगातार खांसी आ रही है लेकिन वह रुक रुक के आ रही है तो इस स्थिति में साथियों आप ड्रोसेरा 30 ले लें, इससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा, आपके यहाँ खांसी ठीक हो जाएगी। साथियों एक स्थिति हम लोगों की बनती है जब रात में खांसी आ रही हो, खांसी से रात में उठना पड़ता हो, यदि यह स्थिति साथी हो तो इसकी दो बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 30 की दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम ले लें, तो आपकी जो रात में आने वाली खांसी है वह ठीक हो जाएगी। सिम्टम उसमें यह होना चाहिए कि आपका गला सूखता है और आपको पानी पीने से आराम मिलता है। दूसरी दवा साथियों इसी श्रृंखला की है सैम्बुकस 30, दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में रात की खांसी में ले लें, नाइट कफ में ले लें, जब आपके बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, आपको उठने पर मजबूर करे दे रही है। यदि यह स्थिति आप में साथियों है तो निश्चित रूप से सैम्बुकस 30 आपकी दवा है, इसको आपको दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लेना चाहिए। साथियों एक और स्थिति आती है खांसी में, जब आपको रात में ठंडी हवा लग गई, आप रात में पार्टी से लौटे, किसी फंक्शन से लौटे या किसी के घर से लौटे, तो आपके रात में हवा लग गई और खांसी बढ़ गई, यह अगर साथियों यह स्थिति हो इसकी बहुत अच्छी 3 दवाएं हैं। पहली दवा है बेलेडोना 200 दिन में 3 बार दो दो बूंद आपको उस स्थिति में ले लेनी है, जब खांसते खांसते आपका चेहरा लाल हो जाता हो, साथ में आपको टॉन्सिल हो जाते हो, आपको बुखार आ जाता हो, तो बेलेडोना 200 आपकी दवा है, इसको आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी दवा साथियों इसी स्थिति की हिपरसल्फ 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में रात में हवा लगने से खांसी बढ़ने की दवा है। जब यह स्थिति आपको बार बार हो जाती हो, बार बार आपको इस तरह की खांसी आ जाती हो, तो आप हिपरसल्फ 30 ले लें। और एकोनाइट 30 इसकी एक तीसरी दवा है, जो अब बुखार के साथ और टॉन्सिल के साथ यदि आपको खांसी आ रही है तो आप एकोनाइट 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह आपको पूरी तरह ठीक कर देगी। साथियों एक और स्थिति आती है जब हमें सांस फूलने के साथ खांसी हो, सांस फूल रही और खांसी आ रही है, अगर साथियों यह स्थिति आपके सामने है तो इसकी दो बहुत कारगर दवा है ड्राई कफ की इस स्थिति में। पहली है स्पॉन्जिया 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं, जब आपके सांस पूरी अंदर समा ना रही हो, सांस अंदर समा ना रही हो, तो स्पॉन्जिया 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लीजिए। और इसमें स्पॉन्जिया के मरीज को गर्म चीज़ें पीने से आराम मिलता है, ठंडी चीज़ों से तकलीफ बढ़ती है। दूसरी दवा साथियों इसकी इपिका 30 है, अगर आपको उकाई आ रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे और आपको उकाई महसूस हो रही है तो आप और आपको खांसी आ रही है तो आप इपिका 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये साथियों कुछ दवाएँ थी आपके ड्राई कफ के विषय में। कोई भी दवा खांसी बहुत कारणों से हो सकती है क्योंकि यह सिम्टम है, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, उसके प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा लें। ये हमारा मकसद आपको जानकारी देना था कि इन जानकारी आप दवाओं की रखें कि होम्योपैथी में इसकी दवाएं संभव हैं, ये एक पॉइंट था जो इस वीडियो और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और तमाम जो और वीडियो हैं मैं उसके माध्यम से आपसे कहना चाहता था। अगर आपको यह प्रयास साथियों अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ता रहे, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें वो आपको जो है वह मिलता रहे। धन्यवाद।